नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और शिवराज सिंह मंत्रिमंडल का गठन लगभग तय हो चुका है और इस मंत्रिमंडल में जो है कितने कैबिनेट मंत्री और कितने राज्य मंत्री यहां पर बनेंगे आपको पूरी जानकारी दिखाएंगे। और कुल 35 मंत्री इस बार बनने जा रहे हैं। इसके अलावा सिंधिया खेमे से कितने यहां पर मंत्री बन सकते हैं तो आपको पूरी जानकारी यहां पर मिलने वाली है, क्योंकि अब मंत्रिमंडल का लगभग जो फॉर्मूला है वो तैयार हो चुका है और नए चेहरों को इस बार मौका मिलने वाला है। तो कितने नए चेहरे होंगे और कितने सिंधिया खेमे से यहां पर मंत्रिमंडल बनाए जा सकते हैं, इस पर जो है सहमति बन चुकी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यहां पर निकल कर आ रही है। शिवराज सिंह मंत्रिमंडल का गठन लगभग हो चुका है, तो कौन कौन से मंत्री यहां पर शपथ ग्रहण करेंगे, क्योंकि केवल शिवराज सिंह ने ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, लेकिन कितने मंत्री अब इस मंत्रिमंडल में शामिल होंगे इस पर जो है सहमति बन चुकी है। बात करेंगे उन 22 विधायकों के लिए कि इन 22 विधायकों में से जो 6 मंत्री है, इसके अलावा कितने और जो विधायक उनको यहां पर सिंधिया खेमे से कितनी मंत्री यहां पर बनाए जा सकते हैं, इस पर जो है बड़ी खबर यहां पर निकल कर आ रही है। अगर बात करें तो गोपाल भार्गव, नरोत्तम मिश्रा और भूपेंद्र सिंह का कद बढ़ सकता है, इन्हें यहां पर बड़ी जिम्मेदारी इस बार मिलने वाली है कैबिनेट मंत्रालय में। इसके अलावा गोपाल भार्गव नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में भी रहे हैं, तो अब उनको क्या यहां पर भूमिका मिलने वाली है इस पर बड़ी खबर है। इसके अलावा नरोत्तम मिश्रा को मिल सकता है नंबर 2 की भूमिका और उनका जो कद है वो बढ़ सकता है। इसके अलावा यहां पर भूपेंद्र सिंह की बात करें तो उनको भी काफी बड़ी जिम्मेदारी मंत्रालय में मिलने वाली है। इसके अलावा अगर बात करें तो विश्वास सारंग भी राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री का दर्जा पा सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो संजय पाठक को भी राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि जो लोटस अभियान चलाया था इसमें काफी महत्वपूर्ण भूमिका में संजय पाठक रहे थे। इसके अलावा यहां पर जालम सिंह पाटिल जो है वो भी कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। इसके अलावा यहां पर अरविंद भदौरिया को मंत्री पद से नवाजा जा सकता है, ऐसी खबर यहां पर है। क्योंकि अगर बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय कोटे से कमल पटेल जो है वो उनको मंत्री पद यहां पर बनाया जा सकता है। इसके अलावा विंध्य रीजन से जो है राजेंद्र शुक्ला दावेदार, बड़े दावेदार यहां पर माने जा रहे हैं और काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी सरकार के लिए। अगर बात करें यहां पर केदार शुक्ला, नागेंद्र सिंह और गिरीश गौतम से किसी एक को यहां पर मंत्री पद यहां पर दिया जा सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो भोपाल से रामेश्वर वर्मा, मोहन यादव, यशपाल सिंह सिसोदिया और नीना वर्मा में से किसी एक को यहां पर मंत्री पद यहां पर दिया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं सिंधिया समर्थकों के लिए क्या फॉर्मूला तैयार किया है। बता दें सिंधिया समर्थकों के लिए जो है 10 मंत्री पद दिए जाएंगे, जिनमें से 6 जो पिछले सरकार में थे उनको मंत्री तो बनना तय माना जा रहा है और 4 और नए चेहरों को यहां पर मंत्री पद दिया जा सकता है, जिनमें आदिवासी चेहरा बिसासु लाल सिंह, यहां पर हरदीप सिंह डंग, यहां पर एंदल सिंह कसाना। इसके अलावा यहां पर अगर बात करें तो राजवर्धन दंतीगांव का नाम मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है। तो ये कुछ बड़े नाम हैं और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि यहां पर मध्य प्रदेश की जो कैबिनेट मंत्री है उनको यहां पर मंत्री पद दिया जा सकता है। और फिर भी आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश के लिए किन किन नए चेहरों को यहां पर मौका मिलना चाहिए, कौन कौन से जो है मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं और किन बड़े जो नेता हैं उनको यहां पर कैबिनेट मंत्री बनाना चाहिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। और इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे।